नमस्कार, वी ब्लॉग का वीडियो में सबका स्वागत। आज का वीडियो में हम आपको दिखाते हैं वज्रासन यानी डायमंड पोज। तो दोस्तों, शुरू करेगा बेसिक एक्सरसाइज का साथ। वज्रासन करने के पहले 7 दिन ये एक्सरसाइज करके करने का। इसके बाद एक्सरसाइज का ज़रूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट कर सकता है योगासन वज्रासन। और भी आपको एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तक 7 दिन करने का। हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेंथ या बल मिलता है, साथ में ये स्टोमक का प्रॉब्लम ठीक करेगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एसिडिटी और स्टोमक प्रॉब्लम सही करेगा और हमारा नर्व सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम ये ठीक करेगा और हमारा जो थाई मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करेगा। ये तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये ऐसे ही करने का। हमारा शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर फेंकते हैं, तो ऐसे ही करेक्ट मूवमेंट से 3 बार करने का। अगर आप बाहर करते हैं तो वज्रासन के लिए एक योगा मैट चाहिए, नहीं तो बेड में भी कर सकते हैं, लेवल होना चाहिए। ये योगासन में एक अच्छा और इम्पोर्टेंट आसन है वज्रासन। सबसे पहले हम लोग दंडा योग में बैठने का, दंडासन। दंडासन में बैठ के ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 1 बार करके फिर रिलैक्स होके बैठने का। उसके बाद ही ऐसा स्थिति में आने का जो वज्रासन का स्थिति है। तो ये ऐसा बैठ के अपना हाथ ऐसा स्थिति में रखने का। ऐसे ही बैठ के हम लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नॉर्मली जैसा करते हैं ऐसा ही करने का। और हाथ का स्थिति के हिसाब से 4 टाइप ऐसा हम लोग कर सकते हैं, वो सब कैसे करते हैं वो देखेंगे। ऐसे बैठ के हम लोग जो नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं ऐसे ही करने का, थोड़ा स्लोली और परफेक्टली करने का। बैठने का तरीका एक ही है, लेकिन हाथ का जो पोजीशन है वो अलग है। ये वायु रोग नहीं तो वात रोग को बिल्कुल हटेगा और त्रिदोष में बिल्कुल ये कम करेगा, शक्ति बढ़ेगा और जो अपना ओजस है वो भी बढ़ेगा। अगर आप दंडासन से वज्रासन जाने के टाइम में थोड़ा खड़ी नहीं तो ऐसा थोड़ा सिंबल करके ये स्थिति में बैठ सकता है। बैठने के टाइम में हमारा फिंगर जो है वो मिला के रखने का, वो कैसे रखते हैं करके अभी आपको दिखाएगा। ये एक महत्वपूर्ण योगासन है, ये हम डेली करने का। शरीर का स्ट्रेंथ जो बढ़ेगा और इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ेगा और अपना ब्रेन है वो अच्छा वर्क करेगा। अभी जो आपको बैठने के लिए वेरी सिंपल हो गया, और जिनको प्राणायाम मालूम है वो करने का, नहीं तो कोई भी एक मंत्र पढ़ के ब्रीथ इन ब्रीथ आउट स्लोली करने का।
कोई लोग हाथ का मुद्रा थोड़ा चेंज करके गुरु के हिसाब से करता है, वो भी अच्छा है, लेकिन जो वज्रासन है वो ऐसे ही बैठते हैं ये स्थिति में। ये योगासन 4 से 7 मिनट तक करने का, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 14 मिनट तक जाने का, ये 3 महीना कंटिन्यूस करने का। योगासन ये करते टाइम में दूसरा नहीं करने का, एक टाइम में एक ही योगासन कर सकते हैं करने का, नहीं तो ये शरीर में प्रॉब्लम है। ये अपना टेंशन दूर ही करेगा और अपना व्यक्ति प्रभाव बढ़ेगा और अपना लाइफ स्पान वो भी बढ़ेगा। अपना शरीर में हीट डेवलप होके पसीना ज़्यादा आता है, इसका कारण से वेट भी कम होएगा। खाना खाके 10 मिनट के बाद ये योगासन कर सकते हैं। जिनको अल्सर, पाइल्स, जॉइंट पेन, नी को और बाइक पेन, और जो पेट में ऑपरेशन करके विश्राम के टाइम में मत करने का। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.